अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोग पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। एक सवाल को मैं चाह रहा था इसमें डिस्कस कर लें, जो पिछले दिनों किसी स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किया, तो उसमें ज़रा सा डिफरेंस है। मैंने उनको कहा था कि ये सही सॉल्व किया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है उसके आंसर में, उसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है। उसको समझ लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि मॉडल पेपर का सवाल है, हो सकता है पेपर में आ जाए। वो पास्ट पेपर के सवाल से थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पेपर में कैसे सॉल्व करना है। अच्छा देखिए बेटा, ये सवाल है, लिखा है हमारे पास एक आयरन बॉल है जिसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर और इज 0.01 मिलीमीटर टू लार्ज टू पास थ्रू द होल इन ब्रास प्लेट। और व्हेन द बॉल एंड द ब्रास प्लेट एट 30 डिग्री सेल्सियस, जब कितना है कि हमारे पास दोनों 30 डिग्री सेल्सियस में मौजूद हैं, तो जो आयरन का डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है और वो थोड़ा सा यानी कि 0.01 मिलीमीटर लार्ज है ब्लास प्लेट के होल से। तो कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल जस्ट पास थ्रू, ठीक है, द होल। अब देखिए यहाँ पर बेटा हम देखेंगे कि ये जो आयरन बॉल है, ठीक है ना, ये आयरन बॉल है मेरा, ठीक है। आयरन बॉल से ये जो ब्रास का होल है ये थोड़ा सा छोटा है आयरन बॉल से। अब ये दोनों मौजूद हैं बेटा यहाँ पर T1 टेम्परेचर इनिशियली जो हमारे पास है इतने में। अब जाहिर सी बात है दोनों को जब हम हीट करना शुरू करेंगे तो दोनों एक्सपेंड होगा बेटा। अब दोनों एक्सपेंड होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर सवाल में ये डिफरेंस है कि इन सवाल में ये नहीं कह रहा कि जब हम ब्रास प्लेट को हीट करेंगे तो किस टेम्परेचर पर जाकर ब्रास जो है हमारे पास वो बॉल उसमें से पास थ्रू कर जाएगा, ऐसा नहीं कह रहा। इस सवाल में कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल जस्ट पास थ्रू द होल। अब इसका मतलब ये है कि दोनों को हीट किया जाएगा और इसमें से किस टेम्परेचर पर जाकर बॉल ब्रास से पास थ्रू हो जाएगा। क्यों बेटा, दोनों को जब एक साथ हीट करेंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जब आयरन बॉल उस ब्रास प्लेट से क्यों पास कर जाएगा, इसकी वजह हमें पता है बेटा। ये हमने देखा है कि ये हमारे पास देखो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, ये ब्रास की है, ये आयरन की, ये सवाल में मौजूद है। तो ब्रास की जो कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो जिसकी लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होती है वो एक्सपेंड भी जल्दी होता है। तो जब दोनों को एक साथ हीट करोगे ना बेटा, तो ब्रास ज़्यादा एक्सपेंड होगा, यानी कि प्लेट का होल ज़्यादा एक्सपेंड होगा एज़ कम्पेयर टू आयरन बॉल। तो इसका मतलब ये होगा एक टेम्परेचर पर जाकर जब एक टेम्परेचर आएगा जब इसकी एक्सपेंशन ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, तो एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा जिस वक्त इसका जो इनका डिफरेंस है जो एक्सपेंशन का, जो ब्रास प्लेट है वो 0.01 मिलीमीटर ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा आयरन बॉल से। उस वक्त उस टेम्परेचर पे क्या होगा कि हमारे पास उस टेम्परेचर पर ये बॉल जो है वो होल से पास थ्रू कर जाएगा। अब समझना यहाँ पर यह है कि वो टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि जब दोनों एक्सपेंड होंगे तो दोनों की एक्सपेंशन चाहिए होगी, और उन दोनों के डिफरेंस ऑफ एक्सपेंशन 0.01 मिलीमीटर के बराबर जब हो तो उस वक्त बॉल पास कर जाएगा। ये बात समझना बेटा। मैं एक सवाल आपको दिखाता हूँ जो पास पेपर वाला सवाल है, उसको भी आप देख लें। देखो ये सवाल है बेटा जो प्रैक्टिकल सेंटर वालों ने सॉल्व किया हुआ है, इसको देखते हैं कि देखो यहाँ पर लिखा है कि अ ब्रास रिंग हमारे पास है, उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर इज माउंटेड ऑन अ प्लेट ऑफ डायमीटर कितना है 0.02 सेंटीमीटर एट कितने टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस। टू व्हाट टेम्परेचर शुड द रिंग बी हीटेड। क्या अब कह रहे हैं रिंग को किस टेम्परेचर पे, देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ब्रास का डायमीटर इतना है जिसको माउंट इज टू बी माउंटेड ऑन अ प्लेट, ठीक है, ऑन अ मेटल रॉड, उसको माउंट करवाना है किसमें, मेटल रॉड में। एक जो रॉड की डाय कितना है बेटा 0.02 है, और प्लेट के ऊपर होल कितना है रिंग का होल जो है बेटा इतना है इनिशियली 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब किस टेम्परेचर पे, अब देखो डायरेक्टली आपसे पूछ रहे किस टेम्परेचर पे रिंग को हीट किया जाए कि उस वक्त ये जो रॉड है ये माउंट हो जाए इस रिंग के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि जब रिंग का डाया कितने के बराबर हो जाएगा, रॉड के डाया के बराबर हो जाएगा उसका फाइनल डाया, तो उस वक्त क्या होगा
कि हमारे पास वो रॉड प्लेट के अंदर माउंट हो जाएगा। तो इस वक्त इसका 20 है, लेकिन उसका फाइनल जब ये हो जाए तो हमारे पास, इसका मतलब ये है कि इनिशियल जो हमारे पास डायमीटर होगा रिंग का वो ये होना चाहिए 20 है, और जब हीट करेंगे तो उसका उस वक्त इतना हो जाना चाहिए बेटा, डायमीटर तकरीबन इतना होना चाहिए ताकि वो फिट हो सके। प्रेस फिट कर लेते हैं जैसे भी हम कर लेते हैं, उसका मेथड डिफरेंट है। ओके, तो हमारे पास देखो इसका मतलब ये कि हम एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएंगे, और इस तरह हमने क्या किया था कि सवाल को सॉल्व कर लिया था कि हमारे पास डिफरेंस कितना होना चाहिए, d2 माइनस d1 करेंगे, और देखो यहाँ पर कितना है कि फाइनल माइनस इनिशियल, और इस तरह हमने क्या किया था, ब्रास की सिर्फ एक्सपेंशन चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें सवाल ये नहीं कह रहा कि सिर्फ रिंग को हीट करने को नहीं कह रहा। देखो जैसे इस सवाल के अंदर कहा है, इस सवाल के अंदर कहा है हमें कि इस सवाल में कहा है रिंग को किस टेम्परेचर में हीट करना है, सही ना, किस टेम्परेचर पर रिंग हीट किया जाए तो रिंग के अंदर ये रॉड फिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल द बॉल जस्ट पास थ्रू द होल, किस टेम्परेचर पर, तो इसका मतलब ये कि दोनों को हीट करेंगे बेटा, और दोनों को हीट करेंगे तो इसका मतलब ये कि एक्सपेंड ब्रास ज़्यादा होगा। अब आते हैं बात को हम समझते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकली। न्यूमेरिकली देखो बेटा, ये हमारे पास है 15, देखो 5 सेंटीमीटर, देखो इनिशियल डाया था किसका बेटा, आयरन का, ठीक है ना, और उसके बाद हमारे पास जो ब्रास है वो कितना छोटा था, 0.01 मिलीमीटर, उसको हमने सेंटीमीटर में कर लिया क्योंकि हमारे पास ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए बेटा 10 से डिवाइड करेंगे, 0.01, ठीक है ना, तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, अब हम डायमीटर ब्रास का अगर हम निकालने जाए तो कितना होगा बेटा, ये कह रहा है कि ये ब्रास का डायमीटर इस 5 से इतना छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो ये आता है, ये ब्रास का डाया आ जाएगा, इनिशियल डाया ब्रास का इतना है और हमारे पास आयरन का इतना है, ठीक है। और जबकि हमें जब दोनों को हीट करेंगे अगर एक्सपेंशन का डिफरेंस इतना आ जाए तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, ये जो बॉल है ब्रास के प्लेट से पास कर जाएगा। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आयरन की कम है, देखो 1.2 है और ब्रास के कितने, 1.9। इनिशियल टेम्परेचर दोनों को किस टेम्परेचर पर रखा गया था, 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया था, और टेम्परेचर T2 हमें फाइंड करना किस टेम्परेचर पर जाके दोनों आपस में माउंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो अब मैंने फार्मूला कैसे लगाया यहाँ पर, देखो समझो, देखो एक्सपेंशन चेंज इन है ना, देखो चेंज इन डाया, तो एक्सपेंशन इन डाया ऑफ ब्रास माइनस एक्सपेंशन इन डाया इन आयरन, दोनों एक्सपेंड हो रहे हैं, अगर दोनों का डिफरेंस जब कितने के बराबर हो जाएगा मेरा बेटा, बराबर हो जाना चाहिए 0.01 सेंटीमीटर के, उस वक्त क्या होगा, ये रॉड पास कर जाएगा। तो देखो डिफरेंस ये हमने निकाल लिया कि डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, दोनों का डिफरेंस अगर इतना होगा तो उस वक्त पास कर जाएगा। देखो ये हमने लगा लिया फॉर्मूला, तो ये लगाया 0.01। अच्छा, उसके बाद इज इक्वल टू, अब एक्सपेंशन का फॉर्मूला ओपन किया तो इनिशियल डायमीटर मल्टीप्लाई बाई लीनियर एक्सपेंशन मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, है ना, हमारे पास फॉर्मूला होता था, क्या होता था बेटा एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता था डेल्टा एल इज इक्वल टू, किसके बराबर होते हैं, L1 है ना, L1 अल्फा डेल्टा और ये टी, L1 डेल्टा, तो देखो DB1 अल्फा डेल्टा टी, है ना, इसी तरह आयरन का चेंज एक्सपेंशन का फॉर्मूला देख क्या होगा बेटा, DI आयरन रिप्रेजेंट कर रहा है 1, इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लीनियर एक्सपेंशन ऑफ आयरन एंड डेल्टा टी, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, डेल्टा टी को कॉमन निकाला हमने, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, डेल्टा टी को कॉमन निकाल लिया। अब हम आते हैं यहाँ पर फॉर्मूले को मजीद देखते हैं कि बस सिंपल है, हो गया अब सवाल। अब हमें पता है इनिशियल डायमीटर कितना था बेटा, ब्रास का इतना था, उसकी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इतनी है, हमारे पास इनिशियल डायमीटर आयरन का इतना था और उसकी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस के ये वैल्यू आ गया बेटा, तो हमारे पास 0.01 है डेल्टा टी, ये मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ भेजेंगे डिवाइड पे आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 28.49, और डेल्टा टी हमारे पास टी2 माइनस टी1 है, टी1 जो हमारे पास है वो माइनस में था, ये हमारे पास है यहाँ पर माइनस में है, तो हम उस तरफ भेज देंगे प्लस में चला जाएगा, प्लस में गया, तो प्लस में जाने के बाद बेटा इनिशियल कितनी वैल्यू थी 30 प्लस के लिए, ये हमारे पास हो गया आंसर। तो ये हमारे पास बेटा इस तरीके से सॉल्व होगा। इसका थोड़ा सा मसला ये कि इसमें सिर्फ किसी एक को हीट करने को नहीं कह रहा, पिछले सवाल में कह रहा था कि रिंग को हीट किया जाए, इसमें कह रहा है कि हीट किया जाए तो किस टेम्परेचर पर जाकर ये बॉल रिंग से या ब्रास प्लेट से पास कर जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।